लास्ट क्लास रे आमे माने पढ़ी गॉस लॉ कौन थी आ गॉस लॉ को लेकिन छोट छोट क्वेश्चन सॉल्व करते आज आम गॉस लॉ एप्लीकेशन पढ़ा कौ जगार आम गॉस लॉ को यूज करवा केमी यूज करवा से विषय में पढ़ा है गॉस लॉ यूज करवा पूर्व मुझे खाली टे तुम मन पकईदे आम फ्लक्स फॉर्मूला कौन थी ई डॉट ए यहाँ फ्लक्स फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स फॉर्मूला कौन थी फाइ इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड माने कौन ना गॉसियन सरफेस भितर जितक चार्ज एनक्लोज होतीक ही कनसीडर कर एप्सिलॉन नॉट है तुम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आउ गोटे कही इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से कौन थी ना ई डॉट डी ए र क्लोज इंटीग्रल माने पूरा सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस हो वॉल्यूम हो जहाँ पूरा क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी ए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सबुटे क्यू है एनक्लोज्ड माने गॉसियन सरफेस भितर थिबा चार्ज को ही तुम मैंने कनसीडर कर एटा होला इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ एटा को पूरा आगे भलसे दस सेकेंड अना अन के एटा को आगे मन रख ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ओके जापारल कारण यहीटा को ही आम मैंने यूज करार अच्छे जापारल ये जिनस आउ कि जिन पे तुमको कौन जितेबाला मुझे तुमको प्रीवियस सेशन रे बा इलेवेन्थ पढ़े कौन ना रोटेशनल तुमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल से लिनियर मास डेंसिटी सरफेस मास डेंसिटी सेमती आम ए पढ़वार अच्छे लिनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शुण सह सह जिन खाली कहीदे प्रथम है लिनियर चार्ज डेंसिटी लिनियर चार्ज डेंसिटी आपको सिंबल दिखते पे लैम्डा लिनियर चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन कौन ना चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ को कहते कौन ना तुम लिनियर चार्ज डेंसिटी सरगला लैम्डा इक्वल टू कौन क्यू बाय एल एति तो फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल यहाँ लिनियर चार्ज डेंसिटी जदि यूनिट लिखा चाहिए चार्ज र यूनिट कौन कूलम एल कौन मीटर तेल कूलम मीटर इनवर्स है कौन लैम्डा यूनिट जदि भी जन कह डायमेंशन लिखिदेल डायमेंशन लिखे तुम भी किसी असुविधा ना चार्ज डायमेंशन कौन ए टी एल डायमेंशन कौन एम ताल ए टी एम माइनस वन सॉरी लेंथ एल पा लेंथ एल एल ए टी एल माइनस वन लेंथ एल ए टी एल माइनस वन सरला यहाँ है लिनियर चार्ज डेंसिटी कौन चार्ज पर यूनिट लेंथ देख शुण धर गोटे मुझे फॉर स्मॉल लेंथ नेबी गोटे पूरा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करी सेटा है डीएल आ तार चार्ज हो के डिक्यू तो लैम्डा के लिख पारि स्मॉल चार्ज डिक्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ डीएल ताले इठी डी क्यूटा को मुझे लिखिपारि ना लैम्डा डीएल ताले टोटल चार्ज को लिखिपारि दीपट इंटीग्रेशन करदेवि डी क्यू इंटीग्रेशन के जो मन कर क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल इंटीग्रेशन यहाँ है गोटे इंटीग्रल फॉर्म जो लैम्डाटा कांस्टेंट नहीं जदि लैम्डाटा कांस्टेंट नहीं तो ये वाला फॉर्मूला तुम मैंने यूज करो केमी यूज करेंगे से गुड़ा सब पर यूज कला बेल जानव किसी व्यस्त होबार ना जापार लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल जदि गोटे स्मॉल चार्ज डिक्यू स्मॉल लेंथ डीएल कनसीडर करी लैम्डा के डिक्यू बाय डीएल ताले डिक्यूटा के लैम्डा डीएल दीपट इंटीग्रेशन नहीं गले डिक्यू इंटीग्रेशन कौन क्यू आउ लैम्डा डीएल इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल बुझला एटा केते बेले यूज करबो ना जेतेले लैम्डाटा वेरिएबल हेतु लैम्डाटा जेतेले वेरिएबल हेतु फॉर एग्जांपल लैम्डा इक्वल टू 3l स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 3l क्यू प्लस 4l एमती लिखा हेतु सेतेले एटा यूज करहा एथरो क्वेश्चन आसेनी तम खाली मन रखिता जिनसटा कोन कारण आकु यूज करिवार अछि ओके मुंडर पसिला कोन लिनियर चार्ज डेंसिटी तापर जब आम कौट की ना तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी छोट छोट जिन सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पे सिंबल यूज करती सिग्मा जमी लिनियर चार्ज रे कौन लिखुते चार्ज पर यूनिट लेंथ सेमती सरफेस लिखी कौन चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया सरीगला कम सिग्मार फर्मूला कौन ना क्यू बाई ए यूनिट कौन हम क्यूर कौन कूलम एरिया कौन मीटर स्क्वायर तो कूलम मीटर टू दिवार माइनस टू यहाँ है यूनिट डायमेंशन तुमको जन पचारा आराम से बाहर करदे पार क्यूर कौन ए टी आ एरिया मैंने लेंथ इंटू ब्रेड तेने एल स्क्वायर ताले ए टी एल टू दिवार माइनस टू यहाँ है सरफेस डेंसिटी डायमेंशन धर स्मॉल एरिया गोटे डीए जन कनसीडर कला जदि सिग्माटा वेरिएबल थी आर चार्ज थी डी क्यू तो सिग्माटा को लिखिपरि के डी क्यू बाय डीए ताले डी क्यूटा के सिग्मा डीए ताले दीपट इंटीग्रेशन नहीं गले डी क्यूर इंटीग्रेशन क्यू एपटे के सिग्मा डीएर इंटीग्रेशन सिग्मा डीएर इंटीग्रेशन सॉल्व एटा कौन इंटीग्रल फॉर्म बाकी जदि सिग्माटा वेरिएबल थी ताको यूज कर अदरवाइज नुहे जापारल कौन सरफेस डेंसिटी पूरा हालुआ हालुआ जिनस आ गोटे कौन अच्छे ये ही कैंसिल होती कम सर कौन से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
ଆଉ କିଏ ପେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟିର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ରୋ। ଏଇଟା ଦେଖ ଲିନିୟର ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଥିଲା ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଲେନ୍ଥ, ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଥିଲା ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଆକୁ ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତି ରୋ। ରୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି। ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ, କ୍ୟୁର କ'ଣ କୁଲମ, ଭିର କ'ଣ ମିଟର କ୍ୟୁ, ଅର୍ କୁଲମ ମିଟର ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ୟୁନିଟ୍, ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପଡ଼ିବନି, କୁଲମ ମିଟର ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଲା କାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟିର। ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଏକାସରେ କେଉଁ ଡାଇମେନ୍ସନ କେତେ ତୁମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ, ଚାର୍ଜର କ'ଣ ଏ ଟି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ର କ'ଣ ଏଲ୍ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ଟି ଏଲ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ। ସରିଲା। ସିମିଲାରଲି ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ମଲ ରିଜନ୍ ଜଣେ କନସିଡର କଲା, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କନସିଡର କଲା, ଯାହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଥିଲା ଡି ଭି, ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଡି କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ରୋଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଡି କ୍ୟୁ ବାଇ ଡି ଭି। ତାହେଲେ ଡି କ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ ନା ରୋ ଡି ଭି, ଦୁଇପଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇଗଲେ ଡି କ୍ୟୁର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କେତେ ହେଇଯିବ କ୍ୟୁ, ଏପଟେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ରୋ ଡି ଭିର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ରୋଟା ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ରୋଟା ଭି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଏଇବାଲା ଫର୍ମୁଲାଟା ୟୁଜ୍ କରିବ। ଧର ରୋ ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ଭି, ରୋ ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ଭି ସ୍କୋୟାର, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଫର୍ମଟା ୟୁଜ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମ କହିଲି ଲିନିୟର ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଲେନ୍ଥ, ଲାମ୍ଡା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏଲ୍। ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ, ସିଗ୍ମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏ। ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ରୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଭି। ଶେଷ। ଏତିକି ଥିଲା ଇନ୍ପୁଟ୍। ଆପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗସ୍ ଲର ଆପ୍ଲିକେସନ। ଗସ୍ ଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଏଟା ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଦେଖ, ଇଡ ଡିଆର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା। କ୍ୟୁଟା କ'ଣ ନା ଗସିଆନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ଥିବା ଚାର୍ଜକୁ ହିଁ ନେବ, ଗସିଆନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିବା ଚାର୍ଜକୁ ହିଁ ଆମକୁ କନସିଡର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଇ ଡଟ୍ ଡିଏର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ଏକା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ଇ ଡଟ୍ ଡିଏର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ଡ୍ୟାଟ୍ସଲ୍। ଏବେ ଯିବା ପାଠ ଉପରକୁ, ଡେରିଭେସନ ପଢ଼ିବା। ଡେରିଭେସନ ଅଫ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଫ୍ରମ୍ ଗସ୍ ଲ। ହାଏ ହାଏ ହାଏ, ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ଡେରିଭେସନ ଅଫ୍ ଗସ୍ ଲ ଫ୍ରମ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଡେରିଭେସନ ଅଫ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଫ୍ରମ୍ ଗସ୍ ଲ। ଗସ୍ ଲରୁ କୁଲମ୍ସ ଲ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ କୁଲମ୍ସ ଲ ତ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ହିଁ କନସିଡର ହେଉଥିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜାଣିଛ। ଆ ପାଇଁ ଗସିଆନ୍ ସର୍ଫେସ୍ଟା କେମିତିଆ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେରିକାଲ, ଓକେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ରିଜନ୍ କନସିଡର କରୁଛି, ଏଇଠି ଏରିଆ ଭିତରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଆ ପାଇଁ ଦେଖିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କେମିତିଆ ହେବ, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏମିତିଆ, କାରଣ ରେଡିଆଲି ଆଉଟୱାର୍ଡ, ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ ଯିବ। ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ଟା ପାଇଁ ଏରିଆ ଭିକ୍ଟର ବି କୁଆଡ଼େ ହେବ, ଏଇପଟକୁ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଇ ଆଉ ଡିଏ ଭିତରେ ଦେଖିଲ ଦୁଇଟାଯାକ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ, 0 ଡିଗ୍ରୀ। ସରିଗଲା କଥା। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଆମେ ଏଠି କୁଲମ୍ସ ଲ ବାହାର କରିବା, ହେଲା। ଗସ୍ ଲଟା ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗସ୍ ଲ। ଗସ୍ ଲ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଫର୍ମ ହିଁ ଲେଖିବ, କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗସ୍ ଲ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଇ ଡଟ୍ ଡିଏର କ୍ଲୋଜ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଇ ଡି ଏ କସ୍ ଥିଟା, ଥିଟା ମାନେ ଇ ଆଉ ଡିଏ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଥିବ କେତେ, 0 ଡିଗ୍ରୀ। କସ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ତାହେଲେ ଇ ଡି ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ଦେଖ ଇଟା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟ୍ରି କନସିଡର କରୁଛି, ମାନେ ଯୁଆଡ଼କୁ ବି ତୁମେ ଟାଣ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆର୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କାଢ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସମାନ ହିଁ ତ ହେବ ନା, ତା ମାନେ ଇଟା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ଡିଏର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ତାହେଲେ ଇ ରହିଲା, ଡିଏ ମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ସ୍ମଲ୍ ରିଜନ୍, ଆକୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ ମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ହୋଲ୍ ସ୍ପିୟର ଏରିଆ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଡିଏର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ତାହେଲେ ଇ ରହିଲା, ଏଟା କାହାର ହୋଲ୍ ସ୍ପିୟରର କେତେ, 4πr² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ତାହେଲେ ଇ କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା କ୍ୟୁ ବାଇ 4πr² ନେଇକି ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ, 4πr² ଇଣ୍ଟୁ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍। ସରିଗଲା କାମ, ତାମାନେ କ୍ୟୁ ବାଇ 4πε0r² ବାହାରିଗଲା ଇ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ୟୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ, କ୍ୟୁ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇ। ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ନଟ୍ ରହିଲା, ଇଟା କେତେ ପାଇଥିଲି, କ୍ୟୁ ବାଇ 4πε0r² ଗୁଣାଗୁଣି କରିଦେଲେ କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ନଟ୍ ବାଇ 4πε0r². ଏଇଟା ତୁମର କୁଲମ୍ସ ଲ ନୁହେଁ କି, ତୁମେ କହିବ ୟେସ୍ ସାର୍, ମାରିଦିଅ ବକ୍ସ। ଡେରିଭେସନ ସଫ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ, ଡେରିଭେସନ ଟିକେ ଆଖି ପକାଇଦିଅ, ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ, ପୁରା ସହଜ ଡେରିଭେସନ ହେଇଗଲା। ଡେରିଭେସନ ଅଫ୍ ଗସ୍ ଲ ଫ୍ରମ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଆଉ ଡେରିଭେସନ ଅଫ୍ କୁଲମ୍ସ ଲ ଫ୍ରମ୍ ଗସ୍ ଲ। ସରିଗଲା ଦୁଇଟା ଡେରିଭେସନ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଡେରିଭେସନ ଫଟାଫଟ କରିବା। 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ଇନଫାନାଇଟ୍ଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡକ୍ଟର, କେତେ ସିମ୍ପଲ ସହଜରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖ କହୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ଇନଫାନାଇଟ୍ଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଇନଫାନାଇଟ୍ଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନେବାର ଅଛି।
आधर मान लाइन चार्ज पूरा है पूरा गोटे लाइन भाया आधार मन कर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे पॉजिटिव मु पॉजिटिव करछु तो माने चाहिले नेगेटिव कर पारिबो एठु कोन करिवार अछि ना आर डिस्टेंस दूर रे हम कोन करिवार अछि ना गोटे पॉइंट अछि पी सेही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिवार अछि ए क्वेश्चन रो मीनिंग हैला ए सुनो मु तमानन कहितली लाइन चार्ज देखिलो माने ता पई गॉसियन सरफेस ता केमिथिया सिलिंड्रिकल आउ डेरी न करिकि काल विलंब न करिकि एटा को रेडियस नै कि गोटे सिलिंडर बुलेबा आरंभ कर दो पूरा सिलिंडर बुलेबा आरंभ कर दियो ए जो आर डिस्टेंस टाकु नै जो रेडियस एटा एते छोटो नै ये पूरा माइनस इनफिनिट रु इनफिनिट पर्यंत लंबी छै देखो इनफिनिट रो मीनिंग मु तमानको बुझेबी हला इनफिनिट रो मीनिंग नै जे पूरा माइनस इनफिनिट रु इनफिनिट सुन एटा रहला आर एबे गोटे कथा कहो मते एटी पॉजिटिव चार्ज अछि माने एटी सब फील्ड लाइन्स गुडा केमथि रेडियली आउटर बात एटी पॉजिटिव चार्ज अछि माने सरफेस तो 90 डिग्री है कि एमथि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडा बात ना मु ड्रा करनी बेसी कॉम्प्लेक्स है जोली एपोट पे एमथि बात दियो 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 एपोट पे एमथि बात बात ना तो ना देखो ना एटी गोटे मो पाकर पॉइंट चार्ज अछि एटा पूरा होल पॉजिटिव तल फील्ड लाइन्स गुडा ता सरफेस तो 90 डिग्री करके एपोट को सरफेस तो 90 डिग्री करके एपोट को बात दियो एटा तो तुम माने सब जानिछ सरीगला डायग्राम समस्त बुझीगल किसी असुविधा ना एवं इंपोर्टां जिनस मत आगे कह या गोटे सिलिंडर पे सिलिंडर में केतेटा सरफेस अच्छे मत आगे कह सिलिंडर में केतेटा सरफेस था आंसर है तीन टा तुम कह सर तीन टा सरफेस केमी दीटा फ्लैट सरफेस गोटे कर्व सरफेस मुझे सिलिंडर खोजुच्छे आखिर कौन पड़ू सिलिंडर किसी मिलूनी सिलिंडर किसी मिलूनी हाँ गोटे छोट हालुआ सिलिंडर मिलला देख यू भाभी दिव सिलिंडर हेला आर केतरा सरफेस थी देख एटा है गोटे सरफेस फ्लैट सरफेस एपटा पूरा सेम थी एटा अवश्य बटलटा बोली अलग अलग अच्छी एपटा है गोटे फ्लैट सरफेस आ गोटे है टोटाली जो कर्व सरफेस एटा है गोटे कर्व सरफेस एटा है गोटे कर्व सरफेस केतरा सरफेस तीन टा गोटे है एपट फ्लैट गोटे है एपट फ्लैट आ गोटे है कर्व सरफेस आईडिया आसला तो मैंने आधे केतरा सरफेस अच्छी तीन टा सरफेस अच्छी केतटा है देख एटा है गोटे फ्लैट सरफेस एटा है आउ गोटे फ्लैट सरफेस आगुड़ा है कर्व सरफेस कर्व सरफेस तो सब जगह नेबी ना खाली गोटे जगह छोटे जगह नहीं गली कर्व सरफेस है यहाँ देख प्रथम काम तुम सरफेस मानकर नामकरण कर दियो ए सरफेस टाक नहीं जाऊँगी एक नंबर सरफेस कर्व सरफेस टाक ए सरफेस टाक नहीं जाऊँगी दुई नंबर सरफेस ए सरफेस टाक नहीं जाऊँगी तीन नंबर सरफेस तापर काम एरिया वेक्टर ड्र कर दियो ए सरफेस में एरिया वेक्टर टा कुआड़े हम एपटे हेला मत कह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ा सब कमी जाऊँगी एमती ही जाऊँच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख यही केस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भितर आंगेल के डिग्री जीरो डिग्री कारण देख एगुड़ा कमी अच्छे पूरा तक भितर इ डीए इ जो डिरेक्शन डीए तो सही डिरेक्शन अच्छे तो भितर आंगेल के डिग्री जीरो डिग्री तेल यही सर्फेस पाक आस यही सर्फेस एरिया वेक्टर कौन हम एपट हम कारण सर्फेस सहित तो परपेंडिकुलर हाँ दरकार ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ा देख कौड़क जाऊँगी एपट को जाते एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भितर आंगेल के डिग्री 90 डिग्री मन रखिता यही सर्फेस एरिया वेक्टर कौन हम तौक केमी जान ली ना सर्फेस सहित 90 डिग्री हम आईपटे देख जाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुड़ा भितर आंगेल के डिग्री 90 डिग्री सरल तीन टाइम सरफेस थी तीन टाइम सरफेस में एरिया वेक्टर ड्र करदे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्र करदे भितर थीटा भी जानी गली सरीगला अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ई डॉट डीए रो इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बुझेगा देख आ गोटे कथ कौन जेहे जितेबाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी ये देख गोटे पॉइंट चार्ज नहीं गोटे लाइन उपर चार्ज गुटा डिस्ट्रब्यूट होते आम लिनियर चार्ज डेंसीटी सरफेस चार्ज डेंसीटी वॉल्यूम चार्ज डेंसीटी कथा कथबार्ता हाँ एबे मते कहलो एटा गोटे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ताप कौ चार्ज डेंसिटी नेबी लिनियर चार्ज डेंसिटी सेटा हला लामडा मन रखिता आर लिनियर चार्ज डेंसिटी मन कर हला केते लामडा व्यवहार करिवा टिके रहिता देखो ई डॉट डी एर इंटीग्रेशन मु कोन कहली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट प्रथम कहलो एटा हला कोन कहलो टोटली होल इंटीग्रेशन आकु मु तीन भाग रे भाग कर देबिनी कारण मु टोटली होल सरफेस कु मु केतरा पार्ट रे क्लासिफाई कर दे छी सॉरी केतरा पार्ट रे डिवाइड कर दे छी तीनटा एटा हला सरफेस 1 एटा हला सरफेस 2 एटा हला सरफेस 3 ताकू मुझे लिखिदे एमती इ डॉट डीए फॉर सरफेस 1 प्लस इ डॉट डीए सरफेस 2 वेक्टर छड़ी गले प्लस इ डॉट डीए सरफेस 3 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आके मत को बुझी पालो ना बुझी पालो ना एटा थिला टोटली होल इंटीग्रेशन सब पूरा टोटली होल सिलिंडर पे ए होल सिलिंडर को मु तीनटा पार्ट करथली दीटा फ्लैट गोटे कर्व पे देखो यहाँ मैंने गोटे 1, 2, 3 तीन टा पार्ट तो क्लासीफाई करती ना तो जो होल इंटीग्रेशन टाइम मुझ भाग्य करदे गोटे है एक नंबर पर इंटीग्रेशन दुई नंबर पर इंटीग्रेशन तीन नंबर पर इंटीग्रेशन ये तीन टाइम मिसे मैंने टोटाल इतनी पलि आसबून से जिनटा हिं कर जापार ना देख एक नंबर सरफेस को कनसीडर कर एक नंबर सरफेस ये नहीं ना देख ये रहा ये रहा डीए इ डट डीए को लिखी कौन इ डीए कस थीटा देख थीटा कैसे डिग्री अच्छे एक नंबर सरफेस पे जीरो डिग्री तो इ डीए कस जीरो डिग्री प्लस एटा है एक नंबर सरफेस में दुई नंबर सरफेस में इ डॉट डीए तार कौन लिखा इ डीए कॉस थीटा दुई नंबर सरफेस में थीटाटा कैसे डिग्री अच्छे 90 डिग्री आगुरी काढ़ी दे जो मैंने न जान पार्टी रिमाइंड करके देख रिवाइंड करके देख कॉस 90 डिग्री तापर
तीन नंबर सरफेस पे ई डीए देखो ई डीए कॉस थीटा थीटा केते अछि 90 डिग्री ताले ई डीए कॉस 90 डिग्री इक्वल टू केते थला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पके दो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सॉरी गला देखो कॉस 90 वैल्यू केते 0 ताले ए टर्म पे गला 0 कॉस 90 वैल्यू केते 0 एटा पे गला 0 ताहाले ई रहिला ईटा तो कांस्टेंट बाहर पड़े थला डीए रो इंटीग्रेशन केते जइबो ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सॉरी गलानी पाठ ई रहिला सिलिंडर रो डीए देखो ए जो डीए टा मु पाइली कहां पे पाइली एक नंबर सरफेस पे ना देखो ना ए जो ई डॉट डीए टा मु पाइली कहां पे पाइली एक नंबर सरफेस पे एक नंबर सरफेस रे माने कोन ए जो कर्व सरफेस टा ए कर्व सरफेस रे एरिया केते 2 पाई आर एच मन करो एठो थी लेंथ रे मु नेची एल रेडियस टा ला केते आर हाइट टा ला केते एल त माने जो कर्व सरफेस रो एरिया जगह रे मु केते पके दे परबी 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ताले ई टा केते जइबो ना क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट पाठ शेष ये देख ल जना पड़ी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तेणु इ आउ आर भितर जो गोटे ग्राफ प्लॉट करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सल देख इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट ताले ईटा आर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी गला एटा जानि पेलो ना इ रहले एरिया जगह पके देली 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ताले इ केते ला ना 2 पाई आर एल डानि डिवाइड कर दो क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट काम सफा एबे मते गोटे कथा को आमे जानिचे लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कोन क्यू बाय एल देखो एटी क्यू अछि एल अछि क्यू बाय एल जगह हम कोन पुट कर दे परबी लैम्डा ताले ई इक्वल टू केते जो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माने रखबे दीटा फार्मूला ई इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट और ई इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एटा माने रखो बेटर सुविधा हो ई इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जोटी क्यू आउ एल ले देथो लैम्डा जगह क्यू बाय एल पके दो एति तो पाठ एति कितला डेरिवेशन मात्र एति करियो 5 पाइबो 8 हो सहज क्वेश्चन किछि अछि निजे कहिलो केते सहज क्वेश्चन खाली टिके मन रखिबारे अछि हेला टोटल जानली ई डॉट डी रे इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मु तो ताकू तीनटा सरफेस रे बांगी छी लेखि देले ई डॉट डी फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट डी फॉर सेकंड सरफेस प्लस ई डॉट डी फॉर थर्ड सरफेस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट सरफेस में लिखिबी ई डी कॉस थीटा सेकंड सरफेस पे लिखिबी ई डी कॉस थीटा थर्ड सरफेस पे लिखिबी ई डी कॉस थीटा देखिबी ई आउ डी ए भीतर फर्स्ट सरफेस रे केते एंगल सेकंड सरफेस केते एंगल थर्ड सरफेस रे केते एंगल पुट कर देबी आंसर आसी एथरे देखला बेलकू सेकंड सरफेस आ थर्ड सरफेस रे कोन हेगला जीरो हेगला खाली फर्स्ट सरफेस में रहले ईटा तो कांस्टेंट बाहर पड़ाइसला डी रे इंटीग्रेशन हेगला ए ए जगह पके देली 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट थिला ई सेतुर बाहर कर दिलो एति गेला पाठ कोन अछि को आ गोटे एप्लीकेशन पढ़ा लास्ट एप्लीकेशन तापर गोटे अच्छे स्पीयर स्पीयर टा तुम रिड्यूस सिलेबस रे नाही कटि जाई हैला फिर भी मुझे तुमको स्पीयर पढ़े देवी आज क्लास रे नुए गोटे सेपरेट वीडियो करके ओके किसी असुविधा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज सीट देख गोटे प्लेन सीट एटा माने कोन का पिन करते थीन लिखा है थीन माने कोन कहला पूरा खंडे पूरा पेपर थीन माने पूरा पेपर है एटा ही पूरा थीन एटा ही पूरा थीन सीट बुझी पार आ ऊपर पूरा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि अच्छे मन कर एपट चार्ज के पॉजिटिव तुम्हें चाहिए नेगेटिव नहीं पार किसी असुविधा नहीं जाऊँ पॉजिटिव है पॉजिटिव चार्ज अच्छे मैंने एपटे फिल्ड लाइन्स गुड़ा सब कमी जाइए एमती जाइए एगुटा तो फिल्ड लाइन ना एपटे फिल्ड लाइन्स गुड़ा कमी जाइए एमती जाइए गोटे सीट आ सार पूरा टोटल सीट सारा पॉजिटिव चार्ज होते सरफेस 90 डिग्री एपटे इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन गुड़ा बाहर एपटे इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन गुड़ा एपटे बाहर से कौन अच्छे पाइगली शुण यू पॉइंट धर मु चाहूँगी कौन ना इलेक्ट्रिक फिल्ड कैलकुलेट करने एथे गोटे इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी प्रथम कथा कौन प्लेन सीट पर गोसीयन सरफेसटा केमी नब मुझे कही कौन कही हॉराइजॉन्टल सिलिंडर हॉराइजॉन्टल सिलिंडर मैंने एमती गोसीयन सरफेस एगुड़ा सब आगे फिक्स कर दिखाई ना तुमको सिमेट्री फॉलो हो नहीं गली कौन ना गोटे हॉराइजॉन्टल सिलिंडर गोटे हॉराइजॉन्टल सिलिंडर बुझे अच्छा सिलिंडर मैंने तरह कतटा सरफेस कही दुटा फ्लाट सरफेस गोटे कर्व सरफेस देख ये गोटे फ्लाट सरफेस यहाँ आउ गए फ्लाट सरफेस आईटा है टोटाली कर्व सरफेस मुझे गोटे जगह नहीं जाऊँ सरला एवं देख यू नहीं जाऊँ एक नंबर सरफेस जोटा को तुम्हें नहीं पार्टी किसी ना यहाँ नहींगले दुई नंबर सरफेस यहाँ नहींगले तीन नंबर सरफेस पूरा सेम प्रोसेस एक नंबर सरफेस में एरिया वेक्टर ड्र करो यहाँ है डीए वेक्टर दुई नंबर सरफेस में एरिया वेक्टर ड्र करो यहाँ है डीए वेक्टर केमी ड्र कर सरफेस सहित 90 डिग्री कर तीन नंबर पर एरिया वेक्टर ड्र करो यहाँ है एरिया वेक्टर एबे मते को इलेक्ट्रिक फील्ड कोड जाई सब एई पड़ जाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन आ डी ए रो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन अछनी त आंका पे थीटा टा केते डिग्री 0 डिग्री एठी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पड़ जाई छी डी ए टा ए पड़ अछि ताले एठी थीटा टा केते 90 डिग्री एठी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाउछ देखो एई पटे डी ए पी अछि एई पटे एठी भी थीटा टा केते डिग्री 0 डिग्री सॉरी गला तापर हम कोन लिखिबार अछि गॉस लॉ ई डॉट डी ए रो इंटीग्रेशन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आकु एमिते लिखिबा जा आकु तीन भाग कर देले भी किछ असुविधा नै ई डॉट डी ए फॉर सरफेस 1 ई डॉट डी ए फॉर सरफेस 2 ई डॉट डी ए फॉर सरफेस 3 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बुझला पूर्वटा थिला लाइन चार्ज एटा हला कोन सरफेस चार्ज देखो आकु लिखिबी कोन ई डॉट डी ए को लिखिबी कोन ई डी ए कॉस थीटा ई डी ए कॉस
एक नंबर सरफेस कौटा नहीं एट भर थीटा के डिग्री अच्छे जीरो डिग्री तेल पका कस जीरो डिग्री प्लस सेकेंड लिखे इ डी ए दुई नंबर सरफेस थीटाटा के नाइंटी डिग्री तो कस नाइंटी डिग्री प्लस तीन नंबर इ डी ए थीटाटा के डिग्री अच्छे जीरो डिग्री ताल इ डी ए कस जीरो डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट देख एटा के इ डी ए यहाँ एक नंबर सरफेस में दुई नंबर सरफेस में तीन नंबर सरफेस में कॉस जीरो केते वन कॉस नाइंटी तो जीरो ताले ए टर्मटा जीरो होगा ताले एठी कौन रहा इ डी ए कॉस जीरो भी कौन वन ताले इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ताले ईटा तो कांस्टेंट बाहर पड़ा था डी आर इंटीग्रेशन के ए प्लस ईटा तो कांस्टेंट बाहर पड़ा था डी आर इंटीग्रेशन के ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई ए प्लस ई ए केते हिजबो टू ई ए एठी देखो किछ वैल्यू पकेई नै पजन ताले केते क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ताहले आमर ईटा केते हिजबो ना क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट हलानी कि ए जो टू आउ ए मल्टीप्लाई थिला एपट वाणी डिवाइड कर देले ताले क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट एबे मते गोटे कथा कहो सेठी लाइन रो कथा पढ़ुले गोटे लाइन चार्ज रो कथा पढ़ुले ताले आमर आसिला लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एठी गोटे प्लेन शीट माने सरफेस रो कथा पढ़ुचे ताले एठी कोन आसिबो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा रो फार्मूला कोन थिला कि क्यू बाय ए थिला माने अछि ना देखो एठी रहला क्यू एठी रहला ए तो क्यू बाय ए जगह रे मु पके देबे केते सिग्मा ताले सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ताले एठी ईटा पाइले मु केते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एठी गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखो पिला माने एठी ए प्लेन शीट पे तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो ये रेडियस ऊपर डिपेंड करू ना तुम एठी भी काढ़ 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 एठी काढ़ एठी काढ़ एठी काढ़ एठी काढ़ एठी काढ़ एठी काढ़ जो भी काढ़ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते हबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हबो केते हबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हबो कहीं कारण ये कौन डिस्टेंस ऊपर डिपेंड ही करूनी जदि डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूनी जदि मु ई आउ आर भितर गोटा ग्राफ करी से कमी हाँ एमती कारण आप डिपेंड ही कर मैक्सिमम वैल्यूटा के सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सर दिस वाज ऑल अबाउट द गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस एति ही एप्लीकेशन तुमको मन रखे अच्छे आ प्राक्ट करदेवार अच्छे आठ सहज कौन अच्छे एका थे लिखिदे पार पूरा बढ़िया से बुझेगा तापर नेक्स्ट क्लास रे मु तमन खाली बुझे देबे स्पीयर विषय स्पीयर तो तुम रिड्यूस सिलेबस रे नाही फिर भी आमे माने पढ़िबा आ रिलेटेड क्वेश्चन गोटे प्रश्न काल सीरीज बनाई देबा ओके ताहले नेक्स्ट क्लास रे आहुरी आगू पढ़िबा थैंक यू वेरी मच।